आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जिले में अब तक 1,333 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले की रिकवरी रेट 81.92 है। शनिवार को 32 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिले में अब तक 97 मरीजों की हो चुकी है मौत। आगरा जनपद में अब तक 97 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जुलाई के महीने में अब तक 11 मरीजों की मौत हुई है। 5.96% है मृत्यु दर। जुलाई के महीने में 25 दिन में 11 मरीजों की मौत होने से मृत्यु दर में कमी आई है। जिले में इस समय 5.96% कोरोना मरीजों की मृत्यु दर है। प्रति 17 कोरोना मरीजों में एक की मौत। आगरा जनपद में अब तक 1,625 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 97 की मौत हुई है। जिले में प्रति 17 मरीजों में औसतन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। शनिवार को 32 मरीज हुए डिस्चार्ज। शनिवार को 32 और मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज किया गया। जिले में 1,325 मरीज हुए स्वस्थ। जिले में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,300 पार कर गया है। जिले में 1,325 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 195। जून के महीने में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 65 के पास पहुंच गई थी, लेकिन जुलाई में ये संख्या 200 के नजदीक है। जिले में इस समय 195 एक्टिव मरीज हैं। 81.92% है रिकवरी रेट। आगरा जनपद में लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते जनपद में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट कम हो रही है। आगरा में 102 हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या। जिले में लगातार कोरोना मरीज मिलने से कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। आगरा में इस समय 102 कंटेनमेंट जोन है। महानगर में 73 कंटेनमेंट जोन। आगरा जनपद में 73 कंटेनमेंट जोन है, जिनमें से ताजगंज क्षेत्र में बफर जोन का कवर भी है। देहात के 29 गांव कोरोना कंटेनमेंट जोन। देहात के 29 गांव कंटेनमेंट जोन घोषित है, जिन्हें सील किया गया है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।